हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फिनिटी रिसर्च। होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड फाइन। माय नेम इज प्रीति, आई एम रिसर्च स्कॉलर एट IIT बॉम्बे। तो इस चैनल पे हम PhD एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट डिस्कस करते हैं, तो आप यहाँ पे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज चेक कर सकते हो आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से। तो अपकमिंग वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल एंड इफ एनी क्वेरी यू कैन टॉक विथ मी पर्सनली। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IIT हैदराबाद के बारे में। तो IIT हैदराबाद की तरफ से PhD के लिए जो जॉइंट PhD है उसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। तो उसके लिए आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, विच इज IITH.ac.in। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद आप ड्रैग करके नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि फेलोशिप फॉर इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर इन टेक्नोलॉजी एट IIT हैदराबाद। तो ये जो फेलोशिप है ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए है जो कि IIT हैदराबाद में PhD करना चाहते हैं उसके लिए। फिर यहाँ पे सेकंड है IIT हैदराबाद इंस्टीट्यूट जॉइंट डॉक्टरेट प्रोग्राम। तो ये जॉइंट डॉक्टरेट प्रोग्राम है, इसके लिए अप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं। तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये नया पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो इसमें हम जो एडमिशन है वो IIT हैदराबाद और स्वीट यूनिवर्सिटी के बीच में है। तो वो 12 मंथ आपको स्वीट यूनिवर्सिटी में करना है, जहाँ पे आपको स्वीट यूनिवर्सिटी की तरफ से फेलोशिप दी जाएगी। तो यहाँ पे हम अप्लाई हियर पे क्लिक करेंगे तो उस जो जॉइंट प्रोग्राम है उसके बारे में डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो अबाउट IIT हैदराबाद यहाँ पे मेंशन किया गया है और यहाँ पे स्वीट यूनिवर्सिटी के बारे में मेंशन किया है, जैसे स्वीवन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में मेंशन कर दिया है। ये मेलबर्न में है तो उसके बारे में सारी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। फिर PhD के बारे में डिटेल्स दी हुई है, जो कि ये जॉइंट PhD है जहाँ पे 12 मंथ आपको स्वीट यूनिवर्सिटी में करना है और बाकी के जो 3 इयर्स है वो इंडिया में IIT हैदराबाद में करना है। तो टोटल फेलोशिप का ड्यूरेशन 4 इयर्स है। एलिजिबिलिटी ये है कि आपका एम डिज़ाइन, MSc या फिर MTech होना चाहिए इन द डिज़ाइन साइंस और इंजीनियरिंग ब्रांच विथ CGPA 8.5 इन 10 स्केल। तो आपका CGPA 8.5 होना चाहिए और जनरल कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन विल बी गिवन फॉर अदर कैटेगरी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म। 5% रिलैक्सेशन होता है ना SC ST कैंडिडेट के लिए, तो वो 8 हो जाएगा उसके लिए। और नंबर ऑफ इनटेक अभी 5 है और डिपार्टमेंट कौन से ऑफर कर रहे हैं उसके बारे में भी दिया हुआ है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, क्लाइमेट चेंज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, हेरिटेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स। तो इतने सारे डिपार्टमेंट के लिए PhD के लिए अप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं। फिर आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट कैसे मिलेगा। तो जो भी जॉइंट PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको रिसीव होगा फेलोशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नॉम IIT हैदराबाद की तरफ से। और स्वीट स्टूडेंट जो वहाँ पे जो भी काम करने जाएंगे तो उनको वहाँ पे स्वीनबर्न यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगा, जो कि उनका पोस्ट डॉक्टरेट प्रोग्राम ग्रेजुएट रिसर्च अवार्ड होता है उससे यहाँ से आपको फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। और एडिशनल वो 9 मंथ का देंगे और एडिशनल 3 मंथ का IIT हैदराबाद जी के ऑनशोर पीरियड के लिए। फिर एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए आपको उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है यहाँ से। फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है और फॉरवर्ड द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म टू जॉइंट PhD इन JDP.admission@IITH.ac.in। यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सेंड करना है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जब सेंड करोगे तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है IITH JDP एप्लीकेशन फॉर्म 2023 और वो आपको 10 अप्रैल से पहले आपको सेंड करना है।
और तो लास्ट डेट तो बोली थी हुई मैं 10 अप्रैल से पहले आपको एप्लीकेशन सेंड करना है। तो अभी हम एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड के लिए आपको यहाँ पे सारे एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएंगे जितने भी पीएचडी के लिए एक्टिव है। तो अभी हम ये है IITH और सूट एप्लीकेशन फॉर्म जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं, तो उसको हम डाउनलोड करेंगे। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको आपकी फोटोग्राफ लगानी है, फिर आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, करंट पासपोर्ट नंबर, फिर यहाँ पे ऐसे देखना है डू यू हैव करंट पासपोर्ट के, इसमें पासपोर्ट नंबर, कैटेगरी अगर फिजिकली एबल्ड है तो ऐसे कुछ लिखना है, परमानेंट एड्रेस, पोस्टल कोड और करंट करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी रहेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। फिर यहाँ पे आपका एकेडमिक डिटेल्स लिखना है, डिग्री का, इंस्टीट्यूट का, बोर्ड का, पासिंग ईयर वगैरह सब कुछ लिखना है। फिर डिग्री लेवल का लिखना है यहाँ पे। फिर मीन्स ये सब आपको पूरा लिखना है, MTech, BTech, डिप्लोमा हो तो डिप्लोमा, फिर SSC, HSC, सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। और कुछ अवार्ड मिले हैं तो उसके बारे में भी आपको डिटेल्स लिखना है कि नेम ऑफ अवार्ड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किसने और कौन से ईयर में आपको अवार्ड मिला, वो सब डिटेल डालनी है। फिर रिसर्च डिटेल डालनी है जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हो, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट डालना है, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन और पेटेंट कुछ है तो वो डालना है। और एंट्री एग्जाम जो भी रहेगा, गेट रहेगा, नेट रहेगा, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है। नेट है तो नेट, गेट है तो गेट, रजिस्ट्रेशन नंबर उनका, फिर एग्जाम डेट और वैलिड अप्रूव कब तक के है, डिसिप्लिन कौन से, इसमें आपने स्पेशलाइजेशन में एग्जाम दिया, ऑप्टेंस स्कोर कितना है, नेशनल लेवल का रैंक कितना है, वो सब डिटेल आपको डालनी है। और ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अटैच करने हैं, जैसे एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, गेट का स्कोर कार्ड, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी, और उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन करके डेट और आपका सिग्नेचर करके आपको ये ईमेल करना है। ठीक है, ईमेल करना है इस एड्रेस पे JDP.admission@IITH.ac.in पे 10 अप्रैल से पहले। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू।